लक्जमबर्ग ने 15 नवंबर 2024 से पाकिस्तानियों की हायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उनको कंट्री मैटर नहीं करता। वो कहते हैं कि हम नया टैलेंट लेके आए हैं अपने मुल्क के अंदर, उनके मुल्क का ही फायदा है। अगर आपके पास कोई अच्छी खासी एजुकेशन नहीं है, आप लोग फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिनकी एजुकेशन है, उन लोगों के लिए तो बुए दे उत्ते ही कहते हैं ना कि नौकरी पे ही है तो पे ही है। लेकिन जिन लोगों के पास इतनी खासी एजुकेशन नहीं है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीके का है, आए चलते हैं। लास्ट नेम अपना लिख देना है, यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले यहाँ पे लास्ट नेम है, जैसे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आता है। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, जो हमारा जैज वाला व्हाट्सएप है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे क्योंकि परसों ये हुआ है हमारे साथ वाकया, लेकिन कल मैं बता नहीं सका किसी रीजन की वजह से। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट जो है वो लगा दी थी, उससे कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो व्हाट्सएप स्पैम की वजह से, जैसा कि जो हमारे पुराने देखने वाले व्यूवर हैं उनको पता होगा कि एक बार हमारा पहले ऐसे नंबर बंद हुआ था, तो अभी फिर ये स्पैम की वजह से बंद हो गया। आई डोंट नो क्या रीज़न है क्या नहीं, लेकिन अभी तक ऑन नहीं हुआ। बाकी ये है कि आप लोग जो है वो हमारे जोंग वाले नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पर इस पर कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपके साथ फुल कोऑपरेट किया जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जितने लोगों ने मैसेज किया जिनको रिप्लाई नहीं मिल रहा, या जो हमारे वहाँ पे क्लाइंट हैं जो परेशान हो रहे हैं कि यार अब व्हाट्सएप बंद है, फरकान साहब फरार, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने टीम मेम्बर से रब्ता किया था, इंशाल्लाह वो आज मुझे लिस्ट सारी दे देंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो हमारे इस जोंग वाले नंबर से मैसेज आ जाएगा, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, तो आप हमारे जो है वो जोंग वाले नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। लक्जमबर्ग ने 2024 के एंड के ऊपर ही, यानी कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में, 15 नवंबर से इनकी स्टार्ट हो रही है। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देखें, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ये चीज़ें रिसीव हो रही हैं, क्योंकि 14 को जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इनका फिर इंटरव्यू वगैरह करेंगे जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, आप भी इसमें अप्लाई कर लें, लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं। जो लोग खुद नहीं अप्लाई कर सकते, वो लोग हमारे से अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, जिसके हमने बहुत ही एक मकूल सी पेमेंट रखी हुई है, उसमें माशाल्लाह हमारे एक क्लाइंट है जिनका अमेरिका के लिए इंटरव्यू फॉर्म आज फिलअप किया है हमने। ठीक है, बाकी ये प्राइवेसी की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों का आगे ये क्वेश्चन रहता है कि सर लक्जमबर्ग का वर्क परमिट के अबाउट बताएं आप लोग, जी हम वर्क परमिट लेना चाहते हैं। देखिए बात पता क्या होती है, लक्जमबर्ग का जो वर्क परमिट है ना, वर्क परमिट हमारे पास आए थे। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उसमें हमने वर्क परमिट दिए लोगों को। ठीक है, लोग ट्रैवल भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो ये नहीं था कि कोई अनलिमिटेड वैकेंसियाँ थी। अनलिमिटेड वैकेंसियाँ ऐसे अब आती नहीं। ठीक है, लक्जमबर्ग के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, देखें ये तो कंपनी का है ना, जिसके पास कोटा मौजूद है उसने कहना है कि ठीक है फॉरनर्स है, इट डजेंट मैटर, पाकिस्तानी है जो भी है ले आओ। ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी भाई आप इन ऑनलाइन वैकेंसीज में आप अप्लाई करें, अगर किसी कंपनी के आप पास आते हो वो आपको हायर कर लेंगे, नहीं आते तो दैट्स इट, उनकी मर्जी। तो इसमें ये बड़ा एक ऑथेंटिक वे है। ठीक है, इसके ज़रिए लोग सेल्फ के ऊपर करके चले गए। मैं ये नहीं कहता कि जी आप हमसे ही पैकेज बाय कर लें, या देखें बात करने का मकसद ये कि यार आप सेल्फ के ऊपर करें। वीडियोज़ के अंदर हर चीज़ बताई होती है, सारा कुछ तरीका समझाया, आप सेल्फ के ऊपर कर लें। अगर सेल्फ के ऊपर नहीं आता तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है को, जिसमें हमने एक आपके लिए एक प्रोफेशनल टीम बिठाई हुई है। ठीक है, जो कि 12-12, 14-14 साल से काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। ठीक है, मैं उन लोगों को लेके आया हूँ, वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपका अप्लाई कर रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के अप्लाई कर देते हैं, वो उसमें बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, देन उसके बाद जाके वो एक फील्ड में अप्लाई करते हैं। बाकी इसके अंदर काफी जॉब्स हैं, चले हैं चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे moviejob.lu। ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे, आपको ये टॉप पे मिलेगी, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, या इधर वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, गेट रेडी टू मूव। ठीक हो गया, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं प्रोफेशन अपना। ठीक है, कंपनी ट्रेनिंग जो कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल जॉब ऑफर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने लैंग्वेज को चेंज कर लेना है। ठीक हो गया जी, इंग्लिश हो जाएगी। ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, कारपेंटर इंस्टॉलर की जॉब है, 6 घंटे पहले यहाँ पे आई है। ठीक है, इंटर ट्रेनर कम्युनिकेशन ऑफिसर है। उसके बाद जी सैलरी है, यहाँ पे आप देख लें इनकी,
कुछ की साथ साथ ही लिखी हुई हैं, कुछ की आपको बता दिया जाएगा जॉब की जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है बिटवीन 800 एंड 1000। ठीक है, आप पर मंथ यहाँ पे इतना अर्न कर सकते हो। ठीक है, किचन असिस्टेंट की जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियर है, उसके बाद जी सेल असिस्टेंट की जॉब है, उसके बाद साइट इंस्पेक्टर है जिसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। आपने अपने लिए जॉब तलाश करनी है, जो भी आपने अपनी CV और कवर लेटर के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, अब ये आपको बेहतर पता है। ठीक है, कि उसके अंदर आपने क्या कुछ मेंशन किया हुआ। ठीक है, आगे चलते जाएं, आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। नंबर 2 के ऊपर आ जाएं, 157, यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, आपको बहुत सारी यहाँ पे जॉब देखने को मिलेंगी, जिसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई मेल्स के लिए ही होंगी, फीमेल्स के लिए भी काफ़ी सारी पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी। लैंग्वेज का प्रॉब्लम आए तो लैंग्वेज को आपने कर लेना है यहाँ पे चेंज। ठीक है, जिसके बाद आप देखें जी सैलरी मैनेजर की जॉब आप देख लें। ठीक है, उसके बाद आपको और भी बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रीशियन के अबाउट है, उसके बाद जी टेक्नीशियन है फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोजेक्ट मैनेजर। अब बहुत सारे लोग आगे मुझे कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अबाउट या इंजीनियर हो गए, उसके बाद ये देखें ना प्रोजेक्ट मैनेजर की निकल के आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर की है। तो इस चीज़ में आप अपने लिए जॉब फाइंड करें। जावा डिवेलपर्स भी हैं जिसमें आप देखें ना, यहाँ पे आगे आगे आपको पाइथन डेवलपर्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको फिर आगे एथिकल हैकर्स हैं, बहुत कुछ आ जाता है इस फील्ड के अंदर। आईटी की फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन चीज़ वो होती है कि आप कोशिश करें। यहाँ पे आप देखें ना, जो जावा डेवलपर है इनकी जो ईयरली है वो 50,000 से लेके 80,000 यूरो आप पर ईयर कमा सकते हो। ठीक है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अब फ़र्ज़ करें जी कोई जावा डेवलपर है, या इसके अंदर कुछ सेल्समैन है, या कोई शेफ है, कोई वेटर है, या कोई सा भी बंदा है वो इसमें अप्लाई करना चाह रहा है, वो कैसे करेगा। अब ऐसे जॉब निकली पड़ी है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ गई। अब देखें जी आईटी कंसल्टेंट है जिसमें आईटी डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे ये देखें सैलरी उसने बताई है फुल टाइम। ठीक है, वर्किंग टाइम जो है वो फुल टाइम है। ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है। स्पोकन लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश भी यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपसे मांग रहा है वो 1 से 2 साल का मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एजुकेशन लेवल जिसमें बैचलर और मास्टर आपका होना चाहिए। यहाँ पे रिमोट वर्किंग जिसमें पॉसिबल है, उसके बाद जी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रीलांस। ठीक है, यहाँ पे ये सारा उसने आपको दिया। यूर मिशन डिज़ाइन एंड डिवेल्प एप्लीकेशन यूजिंग जावा एंड एसोसिएटेड फ्रेमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो प्रोफाइल है वो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये उसने सारी पोजिशन सारा कुछ लिख दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जावा डिवेल्पर्स के लिए अप्लाई करना तो नीचे ले आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जावा डिवेल्पर में है, आपने लास्ट नेम अपना लिख देना है, यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहले यहाँ पे लास्ट नेम है, जैसे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आता है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम है। ठीक है, यहाँ पे वैलिड अपना ईमेल एड्रेस लिखें। यहाँ पे वो कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन सिटीजन, आप यहाँ पे कह सकते हैं नो। ठीक है, उसके बाद जी आई हैव अ वर्क परमिट फॉर लग्जमबर्ग, आपके पास नहीं है तो आप नो करें। ठीक है, उसके बाद प्लीज अटैच आ CV, यहाँ पे आपने अपना CV अटैच करना है। योर मोटिवेशन, आप कैसे मोटिवेट हुए यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए, या किस वजह के लिए, तो आपने अपनी वो चीज़ बतानी है यहाँ पे, अपने जज्बे का इजहार करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आपने अटैच डॉक्यूमेंट टू योर एप्लीकेशन, आपने यहाँ पे अपना कवर लेटर अटैच करना है। ठीक हो गया जी, अटैच करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ फ्री एंड सिक्योर अकाउंट टू ज्वाइन द moviejob.com कम्युनिटी। ठीक है, कंटिन्यू विदाउट लॉगिन करना चाहते हैं, क्रिएट माई moviejob.com अकाउंट। आप जो भी करना चाहते हैं, बेहतर मशवरा है कि अकाउंट क्रिएट कर लें, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि ये बड़ा एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, ये आपकी इंफॉर्मेशन की हर चीज़ की प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक सिंपल तरीका है, ये एक ऑथेंटिक वे है। ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग यूरोप, लग्जमबर्ग, शेंजन, यहाँ पर भी कहीं पर भी एक अच्छी जॉब के मौके हासिल कर सकते हैं। तो हाँ जी, तरीकेकार आपने समझ लिया, चीज़ों को आपने स्टेप बाई स्टेप फॉलो कर लिया होगा। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आके कहने लग पड़ते हैं, सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे। देखें यार, बात पता क्या है, हज़ारों की तादाद से मैसेजेस हैं, जिसमें अब हमारा एक व्हाट्सएप भी बैन हो गया। ठीक है, अब चले उसको कोशिश करते हैं, अगर ऑन हुआ
तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के तौर के ऊपर हमारे पास ये एक ही व्हाट्सएप नंबर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने बड़े ध्यान से तहम्मल से यूज़ करना है, ठीक है। और इसके ऊपर स्पैम की वजह से व्हाट्सएप बैन हो जाता है। जब हम एकदम से रिप्लाई शुरू करते हैं ना लड़के के जी, देते जा रहे ऊपर ऊपर, तो मसले बन जाते हैं। अब उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल पे डील करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैसेजेस पे डील करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वॉइस पे डील करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जी व्हाट्सएप कॉल पे डील करना है। अब ये बहुत मामला है, पीछे एक बंदा इसको डील कर रहा है, पहले एक दूसरा था, दूसरा तो जाहिर सी बात है वो बेचारा वेला बैठा हुआ है। वो क्यों बैठा हुआ? क्योंकि उसका व्हाट्सएप चले तो वो उस पे काम करे। तो ये स्पैम की वजह से जो व्हाट्सएप है वो बैन हो जाता है। इसकी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, कुछ मैसेजेस ज़्यादा होने की वजह से। तो बात करने का मकसद ये है, आप थोड़ा सा तसल्ली के साथ वेट कर लिया करें। हमारा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्लाइंट ने हमें मैसेज किया और हमने 10 साल रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। अगर किसी का रह भी गया तो बाई चांस रह गया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है तो उनको फिर ये नहीं है कि उनको 24 घंटे में मिलता है, उनको जो है वो उनको घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मिल जाता है। अपना एक मैसेज छोड़ दिया करें, तसल्ली किया करें, ठीक है। आपको कंप्लीट अब बात शॉर्ट किया करें, उसमें बताया करें सर मुझे इस चीज़ के अबाउट जानना है, ठीक है। वर्क परमिट की बात करें लग्जमबर्ग की, तो मैंने आपको बता दिया लग्जमबर्ग के वर्क परमिट अभी किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं है। ये फ्रॉड से बचें, इन मामलात से बचें, चुप करके वैकेंसीज हैं इसमें अप्लाई करें। ये ऑथेंटिक वे है, ये एक लीगल वे है। इसके ज़रिए बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बड़े अच्छे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, और आजकल चल ही ये रहा है। और एजेंट भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। वो जो कहते हैं ना आपको एंड पे रिजेक्शन लेटर बना के, जी थोड़ा फलां वजह रिजेक्ट हो गया, या थोड़ा ऐ नहीं होया, उस कुछ भी नहीं होता, वो यही तरीक़ेकार होते हैं। ही तरीक़ेकार ये, और इमिग्रेशन में क्या है आप बताएं? आप मुझे बताएं एम्बेसी चले, एम्बेसी में आप एम्बेसडर से बात करेंगे, यार वर्क परमिट है इधर को, वर्क परमिट नहीं यार, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई लॉयर हायर करना पड़ता है, फिर उसकी फीसिस होती है, वो 45-50 लाख कितों पर हो गए, तो समझ रहे हो ना बात को। ये चीज़ें हैं, ये मामलाते हैं, बाकी इनको देखें ध्यान से तसल्ली के साथ, दिल मुतमिन होता है करवाएं, नहीं मुतमिन होता कोई मसले की बात नहीं। हमने उसमें क्लियर कट बताया 50-60% चांसेस होते हैं इसमें ऑनलाइन वैकेंसीज में, हमको 100% कह के कुछ सबस बाग नहीं दिखा रहे। दिल मुतमिन है, मोस्ट वेलकम, नहीं मुतमिन कोई मसले की बात नहीं, सेल्फ के ऊपर कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।